नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज़ हमारी आप सभी तक आ रही है? प्लीज़ एक बार मुझे आप लोग कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप सभी तक ठीक से आ रही है। जी, पिंकी, मनीषा, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म करिए कि मेरी आवाज़ आप सभी तक अच्छे से आ रही है कि नहीं। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, आपको दिख रहा होगा, शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने सभी विद्यार्थियों को, जी मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जय चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत, और यहाँ से आप देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है 6th सेंचुरी BC के 16 महाजनपद में, चार बड़े महाजनपद, और इसके बाद उन चार बड़े महाजनपदों में से मगध महाजनपद ने सभी को अपने अधिकार में कर लिया और मगध साम्राज्य की स्थापना कर डाली। मगध साम्राज्य के अंतर्गत जिन तीन प्रमुख राजवंश का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पहला है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और देन नंद वंश। तो इस तरह से हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की। जैसे बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, अजातशत्रु के बारे में बात की, अब हम शिशुनाग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत जो है समझदारी से, बहुत ध्यान से अपनी क्लास को देखना। हालांकि बहुत सामान्य टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक होता है, आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का ही टॉपिक होता है, बट यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में बात करें, कि उससे पहले आप सभी को पता है कि शशांक सर के द्वारा जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग रेफरल कोड याद कर चुके हैं, तो उसके बारे में आप बता दो। हमारे जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी उपाध्याय, वेरी गुड इवनिंग, और पिंकी, शिव सिंह, मनीषा जय चौहान, अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। आप सभी लोग ध्यान देते हैं और बताते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करें, कि उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको बताना होता है वो मैं आपको बता दूं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उनके मन में कई सारी बातें आती हैं, ठीक है, कि क्या क्या फायदे हैं, तो उस पर हमें आपको एक बार बता दूं। जैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, ठीक है, साथ ही साथ लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लाभ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सब अच्छा, ये सारी चीज़ें जानने से पहले आप सभी को डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। तो गूगल प्ले स्टोर से आप जो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अधिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ ही साथ चलिए हम बात करते हैं एजुकेटर्स की। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने सभी विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, जिनमें आप देख पा रहे हैं सुदर्शन गुर्जर सर, मृणाल पटेल सर, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर, आयुष संघवी सर, अमन शर्मा सर, दीपांशु सिंह सर, आशीष मलिक सर, और आपके शशांक पाठक सर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि टॉप एजुकेटर्स। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि सब्सक्रिप्शन लेने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेता है वह किसी भी एजुकेटर से क्लास कर सकता है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सुविधा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, एक तो प्लस और दूसरा आइकॉनिक। बात अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की करें तो इसके क्या क्या फायदे हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं। अगर इसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 मंथ का फी 9,000, 3 मंथ्स का फीस 22,500, 6 मंथ्स का जो फी है 40,500, 12 मंथ्स का जो फीस है 49,500, 24 मंथ्स का जो फीस है 72,000, 36 मंथ का जो फीस है 90,000। बट आपको 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेते हो और आप मेरा रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं SK101, सभी स्टूडेंट्स को याद हो चुका होगा, तो SK101 अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट, यानी कि 12 मंथ्स की फीस जो 49,500 रुपये है, आफ्टर 10% डिस्काउंट ये फीस 44,550 रुपये हो जाएगी।
ठीक है। अगर हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसके क्या क्या फायदे हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चंस एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सारे फायदे जो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं। और आप यहां पर देखेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस थोड़ी सी अधिक है, लेकिन लाभ आप यहां पर देख पा रहे हैं। जैसे फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 12 मंथ्स का जो फीस स्ट्रक्चर है 69,500 रुपीज, 24 मंथ्स का 1,07,000, 36 मंथ का 1,41,000। बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि SK101। और अगर आप यहां पर 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को देखते हैं तो 69,500 रुपये जो फीस है, आफ्टर 10% डिस्काउंट ये फीस 62,550 रुपीज़। तो ये इसके फायदे हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं कि ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ का 22,500, 12 मंथ्स का 27,500, 24 मंथ्स का 40,000, 36 मंथ का 50,000। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, और अगर आप इसको सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो SK101 कोड प्रयोग करते हुए आफ्टर 10% डिस्काउंट 12 महीने की फीस 24,750। तो यहां तक हमने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। साधना पाठक, वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कंटिन्यू, अब आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना समय को इधर उधर की बातें किए, ठीक है। तो आज हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में बात करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पे 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, चलिए हम उन पर बात करें। कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि पितृहंता वंश की समाप्ति हो रही है, यानी कि हर्यक वंश समाप्त हो रहा है। और हमने आपको बताया था कि हर्यक वंश के जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, यानी कि संस्थापक बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु और उसका बेटा उदयन या फिर उदयभद्र, ये तीनों ऐसे शासक रहे जिनके बारे में हम आपको बता दें। आप देखेंगे कि जो बिंबिसार है उसकी हत्या उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दी जाती है, राजनीतिक शासन सत्ता को लाभ के ध्यान से। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या उसके अपने बेटे उदयन या फिर उदयभद्र के द्वारा कर दी गई। हालांकि उदयभद्र की हत्या किसने की, कैसे हुआ, इस बात को लेकर इतिहासकारों पर्याप्त मतभेद है। बट पुराणों के अनुसार उदयभद्र के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक को ही दर्शक कहा जाता है, और कहा जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक दर्शक था, जिसकी हत्या हो जाती है एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। और उसके बाद मगध के शासन क्षेत्र पर जिस एक नए पर्सनालिटीज ने अपने राजवंश का परचम लहराया, इतिहास में उसको शिशुनाग के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से शिशुनाग के द्वारा जिस डायनेस्टी की स्थापना की गई उसे शिशुनाग वंश के रूप में जानते हैं। बात शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड की करें तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व के मध्य का जो इतिहास है वह मगध में शिशुनाग वंश में देखा जाता है। यानी कि अगर इस वंश की मैं बात करूं तो 412 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर के आप यहां पर देखेंगे 344 ईसा पूर्व लगभग जो समय है वह मगध में शिशुनाग वंश के द्वारा। शिशुनाग वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हुए जिनको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। एक तो शिशुनाग, जिसका नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, और दूसरा कालाशोक, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चलिए हम बात करते हैं शिशुनाग की, ठीक है। यहां पर देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि भारत में जो सबसे प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हैं उनमें से कुछ पर खुदे हुए नामों से यह पता चलता है कि वे शिशुनाग वंश के हैं। इस वंश के राजा की एक मूर्ति है, ये शिशुनाग वंश के किसी शासक की मूर्ति को आपको यहां पर दिखाया गया। चलिए अधिक समय ना लगाएं, हम लोग बात करते हैं शिशुनाग की, कि शिशुनाग के बारे में आपको क्या क्या जानना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखें शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग का टाइम आप देखेंगे तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394, ठीक है, ईसा पूर्व तक, इन समयों में मगध पर शिशुनाग ने शासन किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजधानी शिशुनाग की, तो मैं राजधानी के बारे में आपसे बात करूं। देखिए आपको पता है
कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको हिंट करूंगा, मगध साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह राजगीर या फिर गिरिब्रज थी। इस बात को लेकर के आप लोग श्योर हैं? बिंबिसार के समय में भी राजगीर या गिरिब्रज। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में भी मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, दरअसल अजातशत्रु अपने शासनकाल के दौरान गंगा और सोन नदी के संगम पर एक गांव या एक ग्राम जिसकी नींव डाली थी उसने, तो एक ग्राम विकसित किया या एक गांव विकसित किया, ठीक है। अब गंगा और सोन नदी के संगम पर अजातशत्रु के द्वारा जो गांव विकसित किया गया उसे पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या जाता था। अब हुआ क्या कि जब अजातशत्रु की हत्या हो जाती है, उसके बाद जब उसका बेटा उदयन या उदयभद्र शासन शुरू करता है, तो उस समय जो पाटली ग्राम है वह काफी विकसित हो चुका था। तो उदयन या फिर उदयभद्र ने क्या किया, कैपिटल को राजगीर से शिफ्ट कर दिया, जो है पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र, ठीक है। इसी पाटलिपुत्र को इतिहास में कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। ये सारी बातें आपको पता है। तो आप देखेंगे कि हर एक वंश के शासनकाल के दौरान ही जब उदयन शासक होता है तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। यहां पर आप देखिए, शिशुनाग जब शासक बनता है तो उसके टाइम में भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन शिशुनाग ने क्या किया, कैपिटल को पाटलिपुत्र से शिफ्ट कर दिया वैशाली। तो एक तरीके से दो राजधानी हो जाती हैं, एक तो पाटलिपुत्र राजधानी है ही, लेकिन दूसरा मुख्य राजधानी का दर्जा वैशाली को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि वैशाली जो है इसको आपको राजधानी के रूप में ध्यान देना है, ये मुख्य राजधानी हो जाती है। किसके समय में भाई, ये हो जाती है शिशुनाग के समय में। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्र ने अपना गौरव खो दिया था, पाटलिपुत्र भी राजधानी के रूप में है, लेकिन वैशाली इंपॉर्टेंट है। देखिए शिशुनाग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि शिशुनाग ने अवंति राज्य को जीता था। आपको मैं बता दूं, आपको याद होगा कि हरेक वंश में आप यहां पर देखेंगे कि हरेक वंश का जब शासन काल चल रहा था तो बिंबिसार के समय में अवंति का शासक चंड प्रदोत्त था और वो पीलिया रोग से ग्रसित था, जिसमें आप देखेंगे कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके दरबार में भेजा था, ठीक है। उसके बाद अजातशत्रु के समय में भी रिलेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन अवंति का विलय नहीं हो पाया था, ठीक है। तो जब शिशुनाग वंश की शासन सत्ता स्थापित होती है और वहां पर शिशुनाग शासक बनता है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय है अवंति राष्ट्र पर, अवंति राष्ट्र या अवंति राज्य। तो अवंति राज्य पर इसने विजय स्थापित की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शिशुनाग के बारे में इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो बेटा होता है, ठीक है, शिशुनाग का जो बेटा होता है इसका पुत्र, उसे इतिहास में कालाशोक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कालाशोक। तो चलिए अब हम लोग कालाशोक के बारे में बात कर लें कि भाई कालाशोक का क्या इतिहास है। तो यहां पर हम बात करेंगे कालाशोक की एकदम सहजता और सरलता के साथ, ठीक है, सहजता और सरलता के साथ हम लोग अपनी क्लास को करेंगे, कहीं पर भी आप सभी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कालाशोक के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि कालाशोक, अब एक हास्यास्पद कहानी मैं आपको बता रहा हूं, हास्यास्पद कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और कुछ लोगों ने तो चर्चा भी की है। कहा जाता है शिशुनाग का जो ये पुत्र था कालाशोक, इसका नाम कालाशोक कैसे पड़ा। दरअसल जब इसका जन्म हुआ तो इतना काला था, अब कोई अपने पर नहीं लेगा भाई, विद्यार्थी विशेष करके अपने पर, हमारे हिंदुस्तान में लोग काले नहीं होते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं और श्याम वर्ण के लोग मोहक होते हैं, इसलिए जो श्याम वर्ण के लोग हमारी क्लास सुन रहे हैं वो अपने आप को मोहन रूप में समझेंगे, वो मोहन है, मोहक रूप में है, वो भगवान कृष्ण है, तो ध्यान रखना। तो कालाशोक यार श्याम वर्ण का नहीं था, एक्चुअली वो काला ही था। तो कहा जाता है कि शिशुनाग ने जब देखा इसको तो बड़ा मतलब गम में हो गया, शोकाकुल हो गया, तो इसका नाम पड़ गया कालाशोक। इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी उपाधि की अगर मैं बात करूं तो इसकी उपाधि एक है काकवर्ण। तो कालाशोक की अगर उपाधि आप देखेंगे यहां पर तो कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, काकवर्ण, ठीक है, काकवर्ण, यानी कि कौवे के समान जिसका वर्ण हो, कौवे के समान जिसका रंग हो, तो इसकी एक उपाधि काकवर्ण थी, लेकिन था बहुत अच्छा शासक। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण ध्यान देनी है। कालाशोक जब शासक बनता है तो इसने क्या किया, राजधानी, ठीक है, राजधानी को पुनः
प्रमुख राजधानी का गौरव किसको दिलाएगा? पाटलिपुत्र को। तो यूं कह सकते हैं कि कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र बाई कालासोर। तो ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र जो है वह दोबारा से जो है मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। अच्छा, इसी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, एग्जाम में आता है। और ये पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदी, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर ठीक है बसा है। तो ध्यान रखना है, ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। एग्जाम में ही पूछा जाता है, विशेष करके ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं उनको आइडिया होता है। बाकी आप सभी लोग कॉम्पिटेटिव हैं तो आप सभी लोगों को पता है ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को देखेंगे कि इनमें महत्वपूर्ण राजधानी को ठीक। दूसरा सबसे एक महत्वपूर्ण घटना हम आपको बताएं, आपको पता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई उस समय तकरीबन 8 साल तक अजातशत्रु को शासन करते हुआ था। मगध में हर्यक वंश का शासन था, अजातशत्रु को तकरीबन 8 साल हो चुके थे शासन करते हुए। और 8 साल शासन करने के दौरान उनको एक सूचना मिली कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है कि कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया, एक बौद्ध सभा का आयोजन ठीक है, बौद्ध काउंसिल, बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। तो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया था, राजधानी आप देखेंगे राजगीर या गिरिब्रज में। अब यहां पर आप देखेंगे कि ठीक 100 साल निकल चुका था और यहां पर अब आप देखेंगे कि कालाशोक के द्वारा जो है ठीक है, कालाशोक के द्वारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया जाएगा। तो इसके समय में आप देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति भी कह सकते हैं, संगीति भी कह सकते हैं, काउंसिल भी ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। अच्छा, अब यहां पर हम आपको बता दें, लगभग कोई डेट फिक्स नहीं होता, लगभग 383 बीसी में यह आयोजन हुआ ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीत का। यह कहां पर हुआ मैं आपको बता दूं, वैशाली में। तो यह चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक बात जल्दबाजी नहीं करना है, सेकेंड बौद्ध संगीत के दौरान क्या हुआ, कौन अध्यक्ष था ठीक है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो जब बौद्ध धर्म के बारे में परिचर्चा करेंगे तो वहां पर एक लिस्ट मैं आपको बनाऊंगा और उसमें जो संगीतियां हुई हैं, विशेष करके आप देखेंगे कि जो है, वैसे तो आप चतुर्थ बौद्ध संगीत तक ही पहुंचते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि पांचवा बौद्ध संगीति भी हुआ और हर बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था, इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या थे ठीक है, किसमें बौद्ध धर्म के डिवीजन को दिखाया गया है, तो उन सब पर परिचर्चा करेंगे। बट बस आप इतना समझ लीजिएगा, यहां पर इतना ही जानना है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, शासक कौन था उस समय, कालाशोक। अगर आपकी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो अध्यक्ष के बारे में आपको बता देता हूं, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं साबक मीर, कौन था, साबक मीर। और अगर पहले के बारे में बात करें ठीक है, तो महाकश्यप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारी क्लास कर रहे हैं जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बस अर्थ है कि बड़े पेशेंस के साथ ध्यान से आपको अपनी क्लास को करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम आपको जो है यहां पर इस चीज के बारे में ठीक है बताएं। तो ये कहानी है। अब आगे की बात होती है कि भाई कालाशोक का जीवन कैसे समाप्त हुआ, तो इसके लिए इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। देखिए, एंशियंट इंडिया की मैं बात करूं, एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, तो यहां पर हर एक घटना में डिस्प्यूट दिखता है, इतिहासकारों के अलग अलग विचार हो जाते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि सोर्स जो है ना, सोर्स बहुत ऑथेंटिक नहीं बन पाता है। तो यहां पर कालाशोक के बारे में कहा जाता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या छुरा घोंप कर दी। तो इस चीज को आपको समझ लेना है, मान लेना किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है कालाशोक की हत्या कर दी जाती है ठीक है। तो इनकी हत्या जो है अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, छुरा घोंप कर। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह से लगभग शासन सत्ता की समाप्ति होती है। और इसके बाद शिशुनाग वंश से इंपॉर्टेंट और कोई विशेष क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता है, आपको दो तीन चीजें बस ध्यान रखनी है। मैं आपको चलते चलते एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो आपको, आप देखेंगे कि जी आयुष का क्या प्रश्न है, सर नोट्स का पीडीएफ शेयर
करेंगे क्या? आयुष मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा नोट्स पीडीएफ, बट काइंडली रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास को चाहे अभी वॉच कर रहे हैं या क्लास के बाद देखें, मैं आप सभी से कहता हूं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्लास के दौरान आपको खुद नोट्स बनाने होते हैं। आप क्लास जब भी करें आप नोट्स बनाते रहें, आपके द्वारा, खुद से आपके द्वारा अगर नोट्स बनाया जाता है ठीक है, तो इस बात को मान करके चलिए कि उससे बेहतर तैयारी कोई नहीं होती है। हालांकि आप कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल सेंड करूंगा, बट मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारी क्लास करिए तो आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। और मैं एक बार नहीं, जब जब आप हमारी क्लास करेंगे तब तक मैं आपको बताऊंगा कि जब तक आपको तैयार नहीं होगा तब तक आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, और आपको जब ही तैयार होगा जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए, यानी कि खुद कॉपी कलम पेन ये सब आपके हाथ से चलने चाहिए, तब वो चीज़ें आपके दिमाग में बनती हैं। इसलिए ध्यान रखना, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बट इतना ध्यान रखना जब तक आप खुद नहीं लिखोगे जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है यार, आपकी अपनी मेहनत। तो खुद आप नोट्स बनाइए, इस क्लास को आप ऐसे ऐसे इंजॉय करो, ऐसे फील करो कि लाइव क्लास का मतलब कि आप सीधे क्लास में बैठे हो यार, ये फील होना चाहिए। मैं तो इसीलिए पूरा टाइम अपने विद्यार्थियों को देता हूँ, पूरा टाइम उनको देता हूँ कि वो अपने क्वेश्चंस को पूछें मुझसे, या फिर इतनी सहजता और सरलता के साथ अपनी क्लास को करें कि उन्हें दिक्कत ही ना हो। तो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो यहाँ पर हमने आपको बताया, शायद आयुष आप हमारी बात को समझ गए होंगे ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे ठीक। तो यहाँ पर दो तीन बातें जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि एक तो पहले कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी, कहाँ पर बनाई, फिर कालाशोक ने उसको शिफ्ट कर दिया, इसके बाद कालाशोक के टाइम पीरियड में सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग शिशुनाग की बात करें तो उसने अवंत राज्य को विजित किया ठीक है, यानी कि जीत लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में बनते हैं ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में जो भी जानकारी हमने आपको बताई ये पर्याप्त है, मोर देन है, आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही ठीक है, अनावश्यक विस्तार से बचना है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपके बीच में रखना है। बाकी एनी मोर क्वेश्चंस आपके बीच में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये परफेक्ट है, पर्याप्त है ठीक। और माय डियर स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर कहूंगा, हम लगातार हर बार आपसे कहते चले आ रहे हैं कि आप शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सब जगह, क्योंकि जब व्यूज बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स दिखते हैं, बच्चों के कमेंट्स रहते हैं, तो हमारे अंदर भी ऊर्जा और उत्साह रहता है। हो सकता है कि आपको ये 3 से 4 पॉइंट्स बताने में हमको 10 से 15 मिनट लगे होंगे ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने में, तैयार करने में काफी टाइम लगता है ठीक है। मेरा अनुभव एक लंबा अनुभव रहा है लगातार पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, बट आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज्यादा मैं मेहनत करके आपके बीच में आता हूं। तो थोड़ा सा उन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी आशा है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि बहुत बेहतर आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी, क्लास समझ में आया होगा ठीक है। बिल्कुल आयुष, थैंक्स, अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुलाकात करते हैं आज शाम को 7 से 8 तक अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, वैदिक कल्चर का आखिरी टेस्ट होगा वैदिक कल्चर का, और आज हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी टॉपर्स हैं वह अपने रैंक में क्या कुछ बेहतर कर पाते हैं ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी विद्यार्थियों को, थैंक यू आयुष, थैंक यू पिंकी, थैंक यू मनीषा, आप लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, और कुछ एक विद्यार्थी ऐसे हैं जो थोड़ा सा अभी इधर उधर टहल रहे हैं, तो भाई वो आ जाएं और क्लास को बेहतर करें। वंश अगेन मुलाकात करते हैं शाम को 7 ठीक है, थैंक यू।